हेलो फ्रेंड, मैं शिवम श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल की दो बेस्ट ट्रिक्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक्सेल की इन ट्रिक्स के बारे में सीखना चाहते हैं तो हमारा आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप एक्सेल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो हमने एक्सेल के ऊपर 110 वीडियोज़ बनाए हैं, जिनके प्ले लिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके एक्सेल के सभी वीडियोज़ देख सकते हैं और एक्सेल एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक हमने छोटा सा डेटाबेस बनाया है, सेल्स डिटेल का डेटाबेस हमने यहाँ पे बनाया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल्समैन के नाम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यहाँ पर सेल्स है। अब हमें यहाँ पे बनाना क्या है, हमें यहाँ पे चार्ट बनाना है। वैसे तो हम आपको चार्ट बनाना पहले ही बता चुके हैं, कॉलम चार्ट कैसे बनाते हैं ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आज के वीडियो में आपको बताएंगे कि आप एक सेल के अंदर चार्ट कैसे बना सकते हैं। इससे पहले जो हमने बताया था वो तो नई सीट में आता था या हमारी सीट में अलग से चार्ट आता था। अब मान लीजिए एक सेल में ही हमें यहाँ पर रो बाई रो में चार्ट बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में यही हम सीखेंगे। पहली ट्रिक्स हमारी यहाँ पर यही। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले वो देख ले। उसके बाद आपको आना है यहाँ पर इंसर्ट टैब में। कौन सा टैब? इंसर्ट टैब में आना है। इंसर्ट टैब में आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएंगे चार्ट के ऑप्शन। यहाँ पर है, यहाँ पर ये कॉलम चार्ट आपको मिलता है जिसका नाम नीचे हम देखें स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन में आप आएंगे, इस सेक्शन में आपको लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट और विन लॉस चार्ट मिलते हैं। अभी जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं कौन सा, कॉलम चार्ट। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया ये विंडो हमारे सामने यहाँ पर आ गई, क्रिएट है स्पार्क लाइन्स की। सबसे पहले आता है डेटा रेंज। तो यहाँ पर आपको होल डेटा नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको एक रो का डेटा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने जनवरी से लेकर सेलेक्ट कर लिया, कहाँ तक, जुलाई तक। आपका डेटा आगे भी हो तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है लोकेशन रेंज, आपको कहाँ पर लाना है। जैसे हमें यहाँ पर लाना है तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, आपको जहाँ पर भी लाना हो वहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर दें तो ये लोकेशन रेंज यहाँ पर आ गई और यहाँ पर ओके कर दें। फिर क्या करना है आपको, यही डेटा मतलब फिर आपको इसी तरह सब में कॉलम चार्ट बनाना है। तो इसको आपको सब में ड्रैग कर देना है, इस तरह से सब में ड्रैग कर दें तो सबका कॉलम चार्ट यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले में आए तो यहाँ पर 38,500 है, तो इसकी लाइन कम है, 51,000 थोड़ा बढ़ा, 66,000 तो यहाँ पर और बढ़ गया, मतलब चार्ट हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो पहली ट्रिक्स आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर हम चार्ट बना सकते हैं, वो भी एक सेल के अंदर यहाँ पर बना सकते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर की ट्रिक की तरफ। दूसरे नंबर की ट्रिक्स हमारी यहाँ पर क्या है वो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर कंप्लीट रो यहाँ पर डिलीट करना है। अब कंप्लीट रो यहाँ पर डिलीट करने से मतलब क्या है, कंप्लीट यहाँ पर जो ब्लैंक रो है वो हमें डिलीट करना है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है, यहाँ पर भी ब्लैंक है और यहाँ पर भी हमारी ब्लैंक है, पर हमें ये ब्लैंक नहीं डिलीट करना है। हमें वो ब्लैंक यहाँ पर डिलीट करना है जो पूरी तरह से कम्प्लीटली यहाँ पर ब्लैंक हो। जैसे ये पूरी ब्लैंक है, ये यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैंक है, ये यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैंक है, तो ये तीनों यहाँ पर कम्प्लीटली यहाँ पर ब्लैंक है। अब यहाँ हमारा डेटा कम है, यहाँ पर हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं, पर अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है, हज़ारों लाखों लोगों का डेटा बेस है तो वन बाई वन तो यहाँ पर डिलीट करें नहीं। तो यहाँ पर एक ट्रिक्स हम आपको बताते हैं जिसकी मदद से आप सारी यहाँ पर कंप्लीट ब्लैंक रो यहाँ पर वन क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। कैसे हो यहाँ पर देख लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर डाल देते हैं, मान लीजिए एक हेडिंग से हम यहाँ पर डाल देते हैं ब्लैंक रो। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा फॉर्मूला हमें यहाँ पे लगाना है। कौन सा फॉर्मूला? काउंट ए फॉर्मूला। काउंट ए फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा। इस फॉर्मूले का काम क्या होता है, ये फॉर्मूला यहाँ पर सेल को काउंट करता है और उन सभी सेल को काउंट करता है जिसमें कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा होता है, खाली ब्लैंक सेल जो होती है उन्हें यहाँ पर काउंट नहीं करता है। तो हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से हम पूरी सेल यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ राहुल लिखा है यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। कहाँ तक, जुलाई का है, तो यहाँ पर पूरी सेल आपको सेलेक्ट कर लेना है, बस आपको ब्रैकेट बंद कर देना है। ये फार्मूला अगर आपको कम्प्लीटली यहाँ पर सीखना है तो इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पर दिया है, आप वहाँ पर क्लिक करके कम्प्लीट काउंट ए फार्मूला यहाँ पर सीख सकते हैं। फिर आपको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर आठ आया, आठ क्यों आया देख लेते हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल यहाँ पर आठ ही यहाँ पर है हमारी सेल, तो इसलिए यहाँ पर आठ आया। इसको भी सब में ड्रैग कर दें, ड्रैग कर दिया। यहाँ पे क्या है, पाँच, ये ब्लैंक है, ये ब्लैंक है, इतने मतलब तीन ब्लैंक है इसलिए यहाँ पे पाँच आया। यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे जीरो आया, यहाँ पे मतलब जो कम्प्लीटली ब्लैंक है वहाँ पर जीरो आ रहा है क्योंकि वहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं किसी सेल में, और बाकी समय जहाँ पर कुछ भी लिखा है तो वहाँ पर दिखा रहा है कि यहाँ पर इतनी सेल है जिनमें यहाँ पर कंटेंट लिखा हुआ है।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर हमें फिल्टर लगा देना है। फिल्टर कैसे लगाना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, डेटा टैब में आना है और यहाँ पर मिल जाएगा फिल्टर। आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप यहाँ पर इसको हटा देते, फिल्टर ऊपर आया। यहाँ पर इसको सही कैसे करना है वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। आपको ये पूरी सेल इस तरह में सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे सेलेक्ट किया फिर फिल्टर पर क्लिक करें, पूरी सेलेक्ट कर ले इस तरह में, तो यहाँ पर फिल्टर लग जाएगा। ऐसे क्या होता है, फिल्टर बाय डिफॉल्ट हमारी टॉप रो यहाँ पर लेता है, तो टॉप रो हमारी ये थी इसलिए यहाँ पे आ रहा। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया तो हमारा यहाँ पे आने लगा, ये हो गया। या आपको डायरेक्टली फिल्टर लगाना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट एल भी प्रेस करेंगे तो भी आप डायरेक्टली फिल्टर यहाँ पर सॉफ्टवेयर की मदद से लगा सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेलेक्ट ऑल सेटिंग हटा देना है। आपको कौन सा सेलेक्ट करना है, जीरो वाली, मतलब जहाँ जहाँ जीरो लिखा है वो सेलेक्ट कर लेना और ओके कर देना। अब ये ब्लैंक सेल हमारी यहाँ पे आ गई। इस तरह में आपको आना है रो में, जैसे ये एरो शो कर रहा है यहाँ पर, इस तरह में इन तीनों को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माइनस, कंट्रोल माइनस बटन यहाँ पर प्रेस कर देना, ये रो यहाँ से डिलीट हो गई। या आप यहाँ पर आएंगे होम टैब पर, यहाँ पर आप आए तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिलीट और यहाँ पर क्या दिया है, डिलीट सीट रो। इससे भी आप डिलीट कर सकते हैं या कंट्रोल माइनस भी कर सकते हैं। तो ये डिलीट हो गई। डिलीट करने के बाद हमें क्या करना है, फिर से ब्लैंक में आना है और यहाँ पर ऑल पर टिक लगा देना है और ओके कर देना। तो अब आप यहाँ पर देखें, जो हमारी कम्प्लीटली ब्लैंक सेल थी वो सेल हमारी यहाँ पर डिलीट हो गई। अब इस सेल का हमें इसका कोई काम नहीं, इस वाले कॉलम का, इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप सारी ब्लैंक सेल यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं, जो कम्प्लीटली ब्लैंक रो हो उन्हें आप डिलीट कर सकते हैं वन क्लिक से। तो दोस्तों आपको ये दोनों ट्रिक कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस पर नए हैं तो हमारे चैनल एस एस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और इसके साथ दोस्तों अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, आप वहाँ पर क्लिक करके हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।